हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक केयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है और रेलवे अप्रेंटिस करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये वीडियो खास करके उनके लिए सही है जो ITI अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो योग्यता मांगी जाती है वो ITI पास ही मांगी जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि रेलवे अप्रेंटिस करने का आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आपका जो रेलवे अप्रेंटिस होता है ये एक साल का एक कोर्स होता है। ध्यान रखिए, रेलवे में एक साल का एक, जिसके अंतर्गत आपको कोई भी टेक्निकल क्षेत्र में काम ही करना पड़ता है, काम के साथ में आपको ज्ञान मिलता है। देख लीजिए, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ये होता है। और ध्यान रखें कि ये जो रेलवे से संबंधित जो भी स्टूडेंट अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है, जिसे हम लेवल 1 बोलते हैं, उसमें 20% वैकेंसी जो होता है रिजर्व रहता है अप्रेंटिसिप वालों के लिए। इसलिए उनका कट ऑफ जो होता है बहुत ही कम जाता है। तो यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, यदि आपका स्कोर मान लीजिए 40-45 के पास ही रहता है और मान लीजिए या 2-4 नंबर से आप छट जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये एक बेस्ट मौका है आपके लिए कि यहाँ से आप मतलब अप्रेंटिस करने के बाद कम मार्क्स में भी सिलेक्शन पा सकते हैं। हालांकि सही तो यही है कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, मेहनत जितना करें कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए जानकारी हम जान लेते हैं। और यहाँ पर हम प्रूफ के साथ देखेंगे ये अप्रेंटिस जॉब के लिए किस तरह लाभदायक होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये पिछले बार का RRB ग्रुप डी का कट ऑफ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट ऑफ जो है ये आपका अजमेर बोर्ड का है और ये जनरल का कट ऑफ आपको यहाँ पर 73.73 गया है। और वहीं पर आप देखिए CCAA वही आपका है जो आपका यहाँ पर हम फुल फॉर्म दिखाए हैं। देखिए, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप CCA, तो देखिए उसका कट ऑफ कितना गया है यहाँ पर। देखिए, उनका कट ऑफ गया है 40.048। उसी तरह देखिए इलाहाबाद बोर्ड है, यहाँ देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ आपको गया है 74.57 और ये देख लीजिए CCA यानी अप्रेंटिस वालों का कट ऑफ कितना गया है 41.16। तो बहुत काफ़ी अंतर होता है कट ऑफ का। तो ये एक बेस्ट मौका है, यदि आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो इस माध्यम से भी आप लेवल 1 में जा सकते हैं, बाकी वहाँ से आपके लिए रास्ता खुला है आगे बढ़ने का। देखिए, आपको हम पिछला जो नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का उसमें दिखा देते हैं कि वैकेंसी रिजर्व रहता है या नहीं, ताकि आपको यकीन हो। देखिए, ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का। देखिए, ये अजमोर बोर्ड का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल ये SC ST OBC और इस तरह दिया गया। देखिए, यहाँ पर जो ये है 10 नंबर में, देखिए 10 नंबर कॉलम में CCA जिसमें डबल स्टार लगाया गया है, तो ये जो वैकेंसी है इसमें पूरा वैकेंसी आपका 860 है। ये देखिए यहाँ पर अच्छा 492 है। तो ये वैकेंसी जो है स्पेशल जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए होता है, इसी कारण इनका कटअप जो होता है बहुत ही कम जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, आप ITI किए हैं तो यहाँ से अप्रेंटिस करके लेवल 1 में जाने का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी वैकेंसी कब निकलती है। तो इसकी वैकेंसी की बात करें तो साल के किसी भी महीने में लगातार निकलती रहती है। अभी फिलहाल में 2 बोर्ड का निकला हुआ है वैकेंसी और दोनों बोर्डों का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको रेगुलर 15-20 दिन के बाद आपको उस रेलवे वेबसाइट को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें जो मैक्सिमम आपका मिनिमम जो होता है मैट्रिक का 50% मार्क्स मांगता है और ITI में जो आपका मार्क्स होता है उसी के बेस पर इसमें मेरिट बनता है। तो एग्ज़ाम नहीं होता, इसलिए जानकारी सही से नहीं मिल पाती है सबको। तो जिस बोर्ड से आप फॉर्म भरेंगे उसके वेबसाइट को आप 15-10 दिन पर देखते रहें, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट कुछ दिनों के बाद 1.5-2 महीने के बाद निकाला जाता है और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।